अविनाश जी आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग दीपांशु, हमको एक कैश स्टॉक पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में काफी पसंद है और उसका नाम है नोसिल। हमको लग रहा है कि नोसिल काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है, हालांकि जो सेक्टर वो केटर करता है जैसे कि टायर्स और रबर सेक्टर, यहाँ पे डेफिनेटली हेडविंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़े से नेगेटिव जरूर है, लेकिन इस कंपनी की खासियत यह है कि अनिल जी ये पूरी तरह से कर्जा मुक्त है और इन्होंने एक ऑलरेडी 180 करोड़ का एक्सपांशन कंप्लीट कर चुका है और ये जो एक्सपैंडेड कैपेसिटी है वो जनवरी में ऑलरेडी पूरी तरह से चालू हो चुकी है। तो हमको लग रहा है कि आने वाले महीनों में होपफुली एक बार टायर सेक्टर और जो रबर सेक्टर है वहां पे वॉल्यूम ऑफटेक पड़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी को फायदा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्रूड रिलेटेड है। क्रूड के प्राइसेस कम होने के कारण मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में एटलीस्ट मार्जिन ये प्रोटेक्ट करेंगे, करीबन 28% के मार्जिन ये एंजॉय करते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटली खरीदने का एक मौका बनता है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके 12 से 15 महीने का, यहां से करीबन 120 125 का टारगेट मिल सकता है। तो क्वालिटी स्टॉक है और काफी ऊपरी लेवल से पिट चुका है, तो ये अच्छा खरीदने का मौका होगा उनके लिए जो अच्छी तरह से इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा बनाना चाहते हैं। ओके, 71 रुपए के आसपास खरीदिए, 125 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी नोसिल में। अविनाश जी, रिपोर्ट भी आई है क्रेडिट स्वीस की, सपोर्ट भी कर रही है कि टेलीकॉम स्टॉक्स के अच्छे दिन होंगे, स्पेशली भारतीय एयरटेल 5% की तेजी हमने देखी। आपका क्या, आपका भी भरोसा बढ़ रहा है टेलीकॉम स्टॉक्स पे सर? नहीं, इनफैक्ट दीपांशु टेलीकॉम एक ऐसा स्पेस है जो हमको लग रहा है कि जो आने वाला क्वार्टर है मार्च क्वार्टर, यहाँ पे आपको आरपूज बढ़ने के चांसेस काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई है इसका फायदा कंपनीज को जरूर मिलेगा। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का डेटा कंजम्पशन अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में हो रहा है, जरूरत से ज्यादा लोग मोबाइल एप्स यूज कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि बोथ वॉइस एज वेल एज डेटा यहाँ पे काफी अच्छी तरह से ग्रोथ मोमेंटम की पुश मिलेगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि भारतीय एयरटेल डेफिनेटली सबसे वेल पोजिशन है क्योंकि 5G को लेके या टिपिकली जो ओवरहेड्स को लेके इनके पास काफी कैश बैलेंस शीट पे है और डेफिनेटली ऐसे माहौल में सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने का लायक रखता है, तो ये डेफिनेटली एक खरीदने का स्टॉक रहेगा। थोड़ा लंबा नजरिया से देखें तो टेलीकॉम में डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जो अट्रैक्टिवनेस सेक्टर में आया है डेफिनेटली आगे चल के इससे भी अच्छी ऊपर की कीमत मिल सकेगी, तो ये एक रीरेटिंग का एक काउंटर है तो इसको जरूर अपने ध्यान में रखें। बिल्कुल, एक रीरेटिंग का काउंटर बन सकता है भारतीय एयरटेल और पूरे टेलीकॉम स्टॉक्स या पूरे टेलीकॉम स्पेस पर आज नजर रहेगी। मारुति में तेजी दिख सकती है क्या इन लेवल से? अविनाश जी बताइए जरा, ऑटो में आपको क्या पसंद है? इनफैक्ट ऑटो में हमको मारुति पसंद है। इनफैक्ट अनिल जी, हमको लग रहा है कि स्टॉक में इन द शॉर्ट टर्म एक शॉर्ट टर्म अपसाइड जरूर आया है, लेकिन अगर स्टॉक 4,900 5,000 के करीब मिलता है तो इसको स्लोली एक्यूमुलेट करना चाहिए क्योंकि ऐसे बाजार में जहां पे कंपनीज के फिक्स कॉस्ट चलते रहेंगे, फैक्ट्रीज बंद रहेंगे, तो ये कंपनी है जिसके पास काफी कैश रिजर्व्स है जो ये इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है। दूसरी जो कंपनीज है जैसे कि टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, इनका सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनके पास काफी सिग्निफिकेंट डेट बैलेंस शीट पे, तो ये डेफिनेटली इनको आगे तकलीफ देगी। तो मेरे ख्याल से मारुति को कोई भी डिक्लाइन अगर आता है तो खरीदने का एक मौका समझना चाहिए। डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में जब ऑटो सेक्टर में बाउंस बैक आएगा तब पहला शेयर मारुति होगा क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज और जो कैश रिजर्व्स है ये कंपनी के पास काफी अच्छे पॉजिटिव्स है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए हो सकता है। Okay. एक बंधन बैंक पर आपसे व्यू लेना चाहूंगा क्योंकि काफी तेज गिरावट हुई है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। अब जो इनका अपडेट आया काफी मजबूत रहा है, 10% का गैप अप दिखा रहा है। मैक्वायरी ने लक्ष्य 350 का रखा है और कंफर्टेबल ट्रेंड दिखा रहा है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। क्या अप्रोच रहनी चाहिए जिस तरह की गिरावट है और अब जिस तरह के अपडेट आ रहे हैं बंधन बैंक पर? मुझे लग रहा है कि दीपांशु का डेफिनेटली करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये है कि आने वाले 3 से 6 महीने के लिए जो एमएफआई सेक्टर है यहाँ पे जो कलेक्शंस की जो प्रोसेस है इसमें डेफिनेटली बैंकों को काफी तकलीफ होगी
और इस तरीके से अगर ये लॉकडाउन थोड़ा और एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली जो रूरल रिलेटेड एरियाज में बंधन काम करता है यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। 3 से 6 महीने का टाइम है जब हम समझते हैं कि आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स शायद इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में हम समझते हैं कि इनका जो हाउसिंग फाइनेंस में जो एंट्री इन्होंने ग्रुप फाइनेंस से की है इनके लिए डेफिनेटली एक फायदेमंद डिसीजन रहेगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि डेफिनेटली करंट वैल्यूएशंस पे तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन बड़ा अपसाइड के लिए निवेशक को थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके इसको खरीदना चाहिए। 1 से 1.5 साल का अगर नजरिया हो तो हम समझते हैं कि वापस बंधन बैंक में अच्छी तेजी आपको मिलेगी।